क्या हुआ दिनेश? बोलो कुछ तो बताओ। दयम्मी ने बातें सुनाई है, शक किया है तुम पे। देखो दिनेश, ये मत समझना कि दायमी तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती है। वो जानती है कि जो लड़की पिया मन भाई नहीं होती, वो कभी भी एक पावरफुल औरत बन के घर पे राज नहीं कर सकती। वो मुझे तुम्हारी जगह पे इसलिए नहीं देखना चाहती कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो मेरा फोन कभी इस तरह चेक नहीं कर सकती जिस तरह आज तुम्हारा फोन चेक किया। माना मेरी खुद गर्जी है, तो मेरी खुद गर्जी को कुछ देर के लिए भूल के सिर्फ ये सोचो कि तुम किसके लिए इस घर में पड़ी हो। हैदर के लिए, जिसके लिए तुम सिर्फ एक कमिटमेंट हो, या फिर तायमी के लिए जिन्होंने आज सास बन के अपना असल रूप दिखाया है। दिनेशीन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत दोबारा आवाज देती है। मेरी जिद में या जमाने में खुद को अच्छा बनाने के लिए अपनी खुशकिस्मती को मत ठुकराओ।